जामताड़ा नगर पंचायत अंतर्गत पांडे डी मोहल्ला में बने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के एक भवन का छज्जा और ऊपरी दीवार ढह गई। गनीमत रही कि विद्यालय में एक भी बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15 साल बने विद्यालय की दीवार गिर गई, जबकि विद्यालय का बरसों पुराना भवन आज भी जस का तस है। ग्रामीणों का कहना है कि ये घटिया निर्माण की वजह से हुआ है। स्कूल का स्थिति क्या है, इस तरह से अगर स्कूल गिर जाएगा तो बच्चा लोग का हम लोग स्कूल कैसे भेजेंगे? हम लोग का भी बच्चा गरीब हो सकते हैं, लेकिन बच्चा को हम लोग स्कूल नहीं भेज सकते हैं, जान तो नहीं दे सकते बच्चा का। पढ़ा लिखा तो सभी को इच्छा रहता है माँ बाप को कि बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन इस तरह से स्कूल गिर जाएगा सर, अगर बच्चा मर जाएगा तो हम लोग कैसे भेजेंगे बताइए। यह बिल्डिंग सर देखिए, ये वाला पुराना बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग जैसे का कैसे है, लेकिन ये नया वाला बिल्डिंग ढह गया, यही सोचने वाली बात है। ऐसा परिस्थिति है कि बच्चा बुतरु पढ़ेगा कैसे, गिर जाएगा ढह जाएगा, बच्चा बुतरु का चोट घट लगेगा, जान का भी हानि हो सकता है। निर्माण गलत हुआ है। विद्यालय में कार्यरत पारा शिक्षक मधुसूदन दास ने कहा कि 3 दिन पूर्व ही विद्यालय की दीवार और छज्जा गिरा है। भवन का पूरा जर्जर अवस्था था, जिस कारण से भवन 3 दिन पूर्व पूरा ढह गया है, और आगे इसमें बच्चों का रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर का जो रूम है ये रूम भी जर्जर अवस्था में है, दोनों बिल्डिंग से पानी सीपेज हो रहा है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 72 बच्चे नामांकित हैं। फिलहाल कोरोना के कारण विद्यालय बंद था। बिल्डिंग में इतना बड़ा जब छत बना है तो इसमें एक तो लिल्टन होना जरूरी था, लिल्टन नहीं हुआ। पिलर सब जो बना है तो 10 इंची का पिलर दिया, इसमें 15 इंची का पिलर देता तो हो सकता थोड़ा मजबूत होता। एकदम घर एकदम घटिया बना है, समझे, सीमेंट भी नहीं दिया है, बालू का अंश ज़्यादा दिया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।